उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को VIP एंट्री पर रोक लगा दी है। वहीं DGP ने शुक्रवार को बताया कि अब सभी VIP भी आम लोगों की तरह ही दर्शन करेंगे। इसके लिए केवल 2 घंटों का समय दिया जाएगा। इससे पहले सही इंतजाम नहीं होने की वजह से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुताबिक 8 मई से अब तक 97,672 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, तो वहीं केदारनाथ धाम में 6 मई से 12 मई तक 1,47,992 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। वहीं उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है वे कुछ दिन बाद यात्रा करें। आपको बता दें कि कोरोना के चलते चारों धाम की यात्रा करीब 2 साल बाद शुरू हुई है। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। पिछले 6 दिनों में करीब 1,30,000 लोगों ने दर्शन किए। वहीं प्रशासन ने VIP एंट्री पर रोक लगा दी है। इससे पहले प्रशासन की ओर से ये सही इंतजाम नहीं होने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। रुद्रप्रयाग से 11 बीमार लोगों को एयरलिफ्ट करके दूसरी जगहों पर भेजा गया। हालात इतने ख़राब थे कि भगदड़ और लाठीचार्ज की भी स्थिति पैदा हो गई। केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ और यमुनोत्री में भी प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते जिला अधिकारी ने बताया कि धाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अब एक ही लाइन में खड़े होकर दर्शनों के लिए इंतज़ार करना होगा। लाइन में खड़े श्रद्धालुओं को 2 घंटे में दर्शन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही रोजाना बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर में ITBP और NDRF की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही रास्तों में पुलिस के जवान लोगों की मदद भी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लापरवाही के मामले सामने आए थे, इसी वजह से ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।